अस्सलाम वालेकुम केम छो सत श्री अकाल केरो हाल है कसका नमस्ते केम हो ना छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 15 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई है? फाइनली गाइज वो एपिसोड की टीआरपी जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो आ चुकी है। ये पूरा का पूरा सीजन हैज बीन अ लो टीआरपी सीजन। पहली बार होगा तो बिग बॉस की टीआरपी के एपिसोड मैंने स्टार्टिंग में बनाना बंद कर दिए क्योंकि गाइज टीआरपी कहने लायक थी नहीं। नंबर वन सबसे बड़ा कारण ये था कि अब वूट पे इसकी मेन ऑडियंसेस जो है वो आ चुकी है। सब लोगों ने वूट इंस्टॉल कर लिया है। टेलीविजन पर बिग बॉस अब ज्यादा लोग देखते नहीं है इसलिए जो टीवी की टीआरपीज है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। लेकिन गाइस उमर रियाज का एविक्शन एपिसोड वो एपिसोड जिसकी टीआरपीज आज यानी के थर्सडे को आने वाली थी वो आ चुकी है गाइस एंड द टीआरपी इज 1.6 मैसिव इंक्रीज। वो चीज जो मेकर्स चाहते थे वो चीज जो बिग बॉस के क्रिएटिव चाहते थे वो इस एविक्शन से उनको हासिल हो चुकी है एंड उमर रियाज का एविक्शन 1.6 के टीआरपी ले जाता है। इतना ही नहीं गाइज एक बहुत ही बड़ा गाना आने वाला है आसिम रियाज का जिसकी शूट पर उमर भी थे आसिम भी थे एंड गाइज एक सरप्राइज महिला है जिसको लोग कह रहे हैं कि वो दिव्या है। लेट्स सी गाइज वो गाना कब आता है क्या नहीं आता है तो वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल द टीआरपीज हैव कम। लास्ट वीकेंड के वार पे सलमान खान जब शो छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने कहा था इस हफ्ते बस आने वाले कुछ ही दिनों में कोई ना कोई एविक्ट होगा। अब गाइज आशंका लगाई जा रही है कि अभी रात को फिलहाल एक मिडनाइट एविक्शन प्लान किया जा रहा है तो लेट्स सी गाइज क्या अभी चुक ले देवोलीना या मोमो इन तीनों में से किसका पत्ता कट होता है एंड वो एलिमिनेट हो जाता है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि बिचुकले के साथ अंत में कोई रहा नहीं। सिर्फ बिचुकले के साथ ही नहीं रश्मि देसाई के साथ भी कोई रहा नहीं यहाँ पर एंड किस तरह से तेजा टास्क जीत चुकी है स्मैनिकोन टास्क तेजा जीत चुकी है एंड उसे टिकट टू फिनाले का जो खिताब है वो मिल चुका है। चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। लेट्स सी आज का एपिसोड किस तरह से था बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन फैक्ट्स इनके बारे में बात करनी है। और फ्रेंड्स एपिसोड की शुरुआत हुई किस तरह से कल रात को बिचुकले ने जो थैली थी तेजा की वो फाड़ दी थी बॉल नीचे गिर गए थे एंड तेजा छटपटा रही थी कि उसका बॉल कैसे फट सकता है। लीव मी अलोन भैया अरे ये एक्टिंग तो बैरी जॉन की अकेडमी में भी नहीं सिखा सकती है अनुपम खेर की अकेडमी में तो छोड़ ही दीजिए भाई। अरे विस्लिंग वुड वाले विसल बजाते रह जाएंगे लेकिन जिस तरह से आपने ये कैसे कर लेती है महिला आप अरे हमें भी सिखाइए यार हम भी सीखना चाहते हैं। जिस तरह तेजा एक्टिंग कर रही थी सुट्टे वाले रूम में इट वॉज एब्सोल्युटली हिलेरियस एंड उसको ऐसा लग रहा था इतना नाटक करने के मूड में सिगरेट के रूम में मोमो जाती है उसका जो बैग है जिसमें बॉल टूटे हुए थे वो जाकर वो बना लेती है। रश्मि जैसा को क्या मिला इस दोस्ती का? रश्मि जैसा जो मदद करती थी कुंद्रा की तेजा की इसका फल क्या मिला इसको? कोई खड़ा नहीं हुआ एंड ये सेम यहाँ पर लॉलीपॉप राखी को खिलाया करण कुंद्रा ने कि अरे मदद कर ले हम तेरी मदद करेंगे। अबे मोमो ने कहा अबे जब मेरे लिए उन लोग नहीं खड़े रहे राखी तेरे लिए खड़े होंगे। आई थिंक राखी सावंत शुड हैव स्टूड अप फॉर रश्मि देसाई लेकिन राखी भी शाणी थी उसको मालूम है मोमो का टिकट वैसे भी कटने वाला है आगे टिकट टू फिनाले में उन्हीं लोगों के साथ जाने वाली हूँ कुंद्रा के साथ प्रतीक के साथ नीशु के साथ तो मैं कुछ ना उनके लिए कर लेता हूँ। राखी ने भी काफी दिमाग से यहाँ पर खेला है लेकिन हम सभी लोग जानते हैं बैग जो रहेगा वो लेकर राखी सावंत भागने वाली है गारंटी बोलता हूँ राखी सावंत बैग लेके भागेगी उसको पैसे की सख्त आवश्यकता है। अब गाइस यहाँ पे सब लोगों ने तेजा को मोटिवेट किया बहन कर ले टास्क कर ले तेरे बैग फटे हुए तो क्या हुआ वैसे ही बिचुकले के पास कुछ भी नहीं है तो एंड में तुम लोग टॉप टू में तो रहोगे यहाँ पर। हाँ अब मोमो यहाँ पे क्लियरली कह देती है कि देख देवो प्रतीक एंड शम्मू ये सारे के सारे लोग निशान के लिए खेल रहे हैं एंड तेजा कहती है मैं तो खत्म हो गई मेरा सब खत्म हो गया ना यहाँ पर। राखी बोलती है राखी का एक वर्ड है जो खजुई हे तू अपने लिए खेल रही है क्या ए इमोशनल कार्ड मत खेल बिचारी मत बन समझ में आ गया। निशान कहता है देख तेजा तेरे को है ना अगर मेरा फाड़ना है ना तो फाड़ ले मैं अपने बॉल्स प्रोटेक्ट करके रखूंगा समझ में आ गया। राखी कहती है आंसू कार्ड जली कार्ड नाटक मत कर एंड सभी चीजों में यहाँ पर राजीव काफी ज्यादा ऑफेंस ले रहा था कि राखी उसको क्यों चिढ़ा रही है क्यों उसको कार्ड सपोर्ट चिल्ला रही है तो यहाँ पर प्रतीक आगे कहता है सिर्फ राखी सावंत है ना जोक कर ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तेजा कहती है इट्स नॉट फनी नॉट एट ऑल फनी। यहाँ पर टास्क शुरू होता है बेचारा दादा फिर से बॉल लेता है रश्मि देसाई को पता नहीं दादा के साथ धोखा करके क्या मिला दादा की फैली फिर से फट गई सब उसके बॉल गिर गए गाइस यहाँ पर एंड उसके बाद दादा का एक बॉल बचा था तो देवलीना सडनली इसके पैर में जान आ गई एंड उसने दादा का जो हाथ है वो काट दिया।
हाथ काटा, चलो ठीक है। उसके बाद दादा पूरा सटक गया। दादा बोलता है, ए हाथ काटा, हाथ काटा, हाथ काटा, मेरा हाथ काटा, बिग बॉस मेरा हाथ काटा, देखो मेरा हाथ काटा। राखी बोलती है, हाथ काटा लेकिन इंजेक्शन उसको लेना पड़ेगा यहाँ पर, तुमको काटा तो देवलीना को इंजेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, सब लोग हंस रहे। तेजा बोलती, देखा मेरा बैग फाड़ा ना, तेरा हाथ काटा, तेरा हाथ काटा। दादा बोलता है, मैं पत्थर लेके मारूंगा, पत्थर लेके मारूंगा यहाँ पे मारने के लिए। मोमो चिल्लाती है, दादा पत्थर मत मारना यहाँ पर, हाँ पत्थर मत मारा। राखी उसको बैट ले जाके मारती है यहाँ पर। दादा कहते हैं, देखो मेरे को हाथ पे काटा है, देवली ना यहाँ पर सारी हदें पार करती है। एंड दादा का हाथ काटने के बाद बाथरूम में जाकर अपना मुंह जो है वो गागल कर कर आती है, एंड बेचारा दादा जो है आउट हो जाता है। निशान के पास ज्यादा गेंद होती है इसलिए निशान जीत जाता है। एंड गाइस दादा के पास केवल 2 गेंदें रहती है और वो आउट हो जाता है। सभी लाइन में खड़े रहते हैं। बिग बॉस राजीव से कहते हैं, अपना विशेष अधिकार यूज करके क्या आप इनमें से जो लोग फिनाले में गए हैं उनको वापस घर में लेके आना चाहते हैं, यानी कि डिग्रेड करके निशान को अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई अलग प्लान है कि उनको भी साथ में ले जाओ निशान को भी। राजीव चाहता तो कर सकता था लेकिन राजीव यहाँ पे सब करने आया नहीं है। तो गाइस जितने लोग टिकट टू फाइनल टास्क जीत चुके हैं, यानी कि प्रतीक, शमिता, हाँ करण कुंद्रा, राखी सावंत, ये सारे के सारे लोग वैसे के वैसे रहेंगे। निशांत उनको अलग से ज्वाइन करेगा। मैनेजमेंट टास्क जीत कर यहाँ पर तेजा भी उन सभी लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। इतना ही नहीं, निशांत सबको थैंक्स कहता है। राखी कहती है, दादा और देवलीना के बीच में प्रेम अगन है, दोनों जगह आग अलग तरीके से लगी हुई है। हाँ प्रतीक निशांत से बात करने की कोशिश करता है लेकिन निशांत अब कुछ उसके तेवर दिखने लग शुरू हो चुके हैं। तेवर नहीं, मैं तो कहूंगा वो अलग से खेल रहा है जो कि उसे खेलना चाहिए। बहुत हो गया प्रतीक एंड शमिता का साथ उसके साथ में। एंड वो कहता है कि यहाँ पर तुम लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हो। हाँ एक लिमिट होता है। शमु कहती है, आई डोंट लाइक लूजिंग फ्रेंड्स, सेल्फ ऑब्सेस्ड, व्हाट इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, निशांत सेल्फ ऑब्सेस्ड, समझ में आ गया। शमिता कहती है, आधे साल से साथ में हूँ, हाँ फिर भी निशांत को समझ में नहीं आया। यहाँ पर राजीव कहता है, वो जस्ट रबेश, ये निशान खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एकदम फेक है, यहाँ पर समझ में आ गया। हाँ निशान कहता है, बैठा रहता है वहां पर। राजीव उसको जाके बोलता है, क्या तू शमिता को तू सेल्फ ऑब्सेस्ड बोल रहा है, ये सब बोल रहा है। तो निशान कहता है, हाँ सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलूंगा ही ना, हमारे बीच में बात हुई थी कि यहाँ पर हम लोग राखी को निकालेंगे क्योंकि राखी ने शमिता की इतनी बैंड बजाई थी, तो उसने तेजा को क्यों निकाल दिया यहाँ पर। वही बात लेके खींच रहे 10 दिन से, रहे पागल लोग, अरे निकाल दे तो निकाल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों को टिकट टू फिनाले मिल गया ना यहाँ पर। फालतू का वही बात, उसको राजीव को लाया है इसको और इम्पोर्टेंस देने के लिए। हाँ बोलते, अगर राखी को नहीं निकालना था तो बोल सकते थे ना, तेजा मेरी कॉम्पिटिशन, उसको प्रॉब्लम था, उसको क्यों निकाले। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग शमिता निशान के बीच में हो चुकी है गाइस यहाँ पर। हाँ निशान कहता है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है और हमेशा रहते हैं वो लोग यहाँ पर, एंड मुझको भी अपने साथ वक्त बिताना का मौका चाहिए यहाँ पर, तो अपने साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, निशान ने बोलकर राजीव को फिट्टूस की गोली दे दी। तो अब गाइस मोमो, तेजा, हाँ देवोलीना, बिचुकले, ये मैनिक्विन यानी कि एक पुतले को यहाँ पर कपड़ा पहनाने एंड उसको सजाने का एक मौका रहता है। एंड गाइस यहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट जो है यहाँ पे आके साइन करके उनको सपोर्ट दिखा सकता है कि कौन यहाँ पर विजेता घोषित किया जाएगा। सो गाइस तेजा हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देती है, प्रतीक के पास जाती है, प्रतीक मेरे लिए साइन कर देना, मेरे लिए साइन कर देना। और पूरे उस सीजन में उसके पास गई नहीं, उसके खिलाफ कितनी सारी बातचीत की, अब जाके बोल रही है। तेजा के मुंह पे साफ डर दिखाई दे रहा था कि आखिरी मौका है, अगर अब मैं सेलेक्ट नहीं हो तो मेरा भेजा बन जाएगा। फिर उसका घमंड निकलने की कोशिश हो रही थी लेकिन मेकर्स, उसको नहीं पता, अरे कुछ भी होता मैडम, मेकर्स आपको ले जाते फिनाले में, टेंशन मत लीजिए, ऐसे तो टास्क पर टास्क रख रहे थे। तब तक फिनाले, टिकट टू फिनाले, टिकट टू फिनाले, एफ फिनाले, 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 अबे कितना फिनाले, आई थिंक 64-65 एपिसोड से फिनाले चल रहे हैं, 111वां दिन है, मजाक बना के रख दिया पूरा का पूरा सीजन, रद्दी पूरा का पूरा, इतना फिनाले हो रहा है भाई, कोई इविक्शन नहीं। अबे इविक्शन करते हो कि नहीं करते हो, क्या बनाया है भाई तुम लोग ने ये, हाँ इतना मजेदार जिंदगी दे रहे हैं, ना खाने के लिए लड़ाई, ना राशन के लिए लड़ाई, खाना मिल रहा है, दूध भकास रहे, चाय पे चाय पी रहे, लीटर लीटर चाय पी रहे जा रहे, जितना दूध मांगता उतना मिल रहा है, हाँ कुछ भी नहीं। पहले बिग बॉस में खाने के लिए भी मारा मारी होती थी यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पे तेजा बोल रही है, प्रतीक को प्लीज मेरे लिए साइन कर देना यहाँ पर, क्यों नहीं कर रही साइन मेरे लिए तू। प्रतीक बोलता है, मैं देवलीना की खेल रहा हूँ, मैं देवलीना के लिए साइन करूंगा, देवलीना के साइन करूंगा। तो तेजा के पास 2 लोग हैं उसके सपोर्ट में, एक तो निशांत है, दूसरा करण कुंद्रा है। शमिता कहती है, आई विल सपोर्ट मोमो, तो मोमो को बेचारे को एक सपोर्टर मिल गया है यहाँ पर। हाँ करण कुंद्रा, निशांत है जो तेजा को कर देंगे। निशांत कहता है, टेक्निकली मैं तेजा के साथ हूँ। एंड गाइस यहाँ पे सब लोग शुरू करते हैं
हैं, देवोलीना बिचारी खड़ी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मदद करने के लिए लोग जाते हैं। बिग बॉस कहता है कोई मदद नहीं करेगा भाई, सब अपना अपना अलग अलग खेल लीजिए। तो निशु यहाँ पे तेजा के लिए साइन करता है, करण कुंद्रा भी तेजा के लिए साइन करता है, शमिता मोमो के लिए साइन करती है, प्रतीक देवोलीना के लिए, एंड राखी भी देवोलीना के लिए साइन कर देती है। यहाँ मुझे लगा था कि राखी को मोमो के लिए साइन करना चाहिए था, लेकिन राखी भी अपने दिमाग में कुछ लेकर चल रही थी। प्रतीक कहता है बेचारे दादा के लिए कोई नहीं खेलेगा। चलो प्रतीक का सॉफ्ट कॉर्नर इतना है कि एटलीस्ट एक आदमी तो है जो बिचू के दादा के लिए यहाँ पर खेल रहा है। राखी कहती है दादा ने कुछ नहीं किया है, मत खेल उसके लिए, क्या किया उसने। तेजा कहती है मेरा लास्ट चांस है रे, मेरी वाट लग जाएगी, मेरे साथ दो ना तुम लोग। हाँ शमिता कहता है देख प्रतीक अपना दिमाग यूज कर। मोमो कहती है प्लीज राखी मेरे लिए कर दे, यहाँ पर प्लीज प्लीज कर दे मेरे लिए। राजीव कहता है देखो देवलीना अगर खड़ी रही है इतना देर तक तो रश्मि देसाई भी खड़ी रही है, वो जीती है टास्क। और इतना ही नहीं तेजा तो इतने दिन से यहाँ पर है, तो तेजा भी जीत सकती है यहाँ पर, समझ में आ गया। तेजा बोलती है अभी राखी यादनान का बात क्यों सुन रही है, एक हफ्ते में चले जाएगा, अपने को आगे जाना है खेलने के लिए। बिचुकले बोलता है देखो बाबा ये रश्मि देसाई तेरा मेरा जीतने का कोई चांस नहीं रहा बाबा, छोड़ दे ये लोग उसको जिताएंगे। अगले राउंड में यहाँ पर बिचुकले को अदनान लेकर आता है कंपटीशन में, एंड देवोलीना को बाहर बिठा देता है। ऐसे अलग अलग राउंड में सबको मिक्स एंड मैच करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे तेजा एंड मोमो रहने वाले हैं, ना कंफर्म समझ लो यहाँ पर तुम लोग। तो अब गाइस यहाँ पर यहाँ अदनान आता है, बिचुकले आता है, बिचुकले क्या करता है वो पुतले को वो पिना देता है झाड़ पत्ती, ऊपर विग लगा देता है, टार्सन मार देता है लोग को, काफी कॉमेडी रहते हैं। एंड प्रतीक यहाँ पे बिचुकले को साइन कर देता है, करण और निशान तेजा को साइन करते हैं, एंड बिचुकले बोलते हैं वाह 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 सब उसको साइन कर दो तेजा को, हम तो गोटियां खेलने के लिए आए ना यहाँ पर। हाँ सुअर झुंड में आता है, शेर अकेले आता है, सब उसको चिल्लाते हैं सुअर किसको बोल रहा है, झूठ किसको बोल रहा है, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ पिक्चर का। शमिता एज यूजुअल मोमो का साइन करती है, एंड मोमो यहाँ पर राखी को कन्विंस करने की कोशिश करती है, राखी को बोलती है प्लीज मेरे लिए साइन कर दे, लेकिन वहां पर करण नीति और भैया करण नीति, अरे क्या क्या चैनल वालों ने प्रमोट करने की कोशिश किया स्टार्टिंग में ना करण नीति। तो करण और निशांत यहाँ पे राखी को कन्विंस करते हैं अरे वेस्ट मत कर, मोमो को वोट दे क्या मिलेगा, मोमो ऐसी भी आउट हो रही है। हाँ देवोलीना तेजा आएगी बीच में, तो अभी तो तेजा को कर दे, बाद में देखो जिसको करना है कर ले, हमारे साइड दे दे तू यहाँ पर। राखी तेजा का साइन करती है, बिचारी मोमो देखते रह जाती है, आई फील रियली बैड फॉर दैट। हाँ तो प्लान ये है कि मोमो बिचुकले निकल जाएगा, एंड में देवोलीना तेजो के बीच में होगा, एंड करण कुंद्रा यहाँ पर शमिता को भी कन्विंस कर लेता है कि देख तू मोमो को सपोर्ट कर रही है ना, मोमो चली जाएगी, मोमो जाने के बाद तू एक काम कर तेजा को सपोर्ट कर लिए। एंड यहाँ पे मोमो पूछती है क्यों राखी क्यों किया ऐसा तूने मेरे साथ, राखी कहती है ये करण कुंद्रा मेरे को बोला था मेरे को सपोर्ट करेंगे वो लोग। मोमो कहती है अबे मैं उनके स्टार्टिंग से खेल रही हूँ, उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तेरे को क्या सपोर्ट करेंगे। हाँ राखी बोलती है ये करण देख ऐसा बोल रहे हैं लोग, वो तू उन लोग को सपोर्ट नहीं किया तो मेरे को भी नहीं करेगा। करण कुंद्रा बोलता है मैंने तुझे सपोर्ट करना है, तेजा ने तेरे को सपोर्ट करना है, तकलीफ ना ले। तो देखते कल क्या होता है, सभी लोगों को पता है तेजा जीत जाएगी, लेकिन कल भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, शायद आज रात को अपडेट आ जाए कि कौन एग्जैक्टली यहाँ पर एविक्ट हो चुका है सीजन से, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सलमान मेरा भाई इज गोना कम टुमारो टू शूट द वीकेंड का वार, आखिरी वीकेंड का वार होगा, फिर ओटीटी सीजन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसकी अपडेट मैं आपको ला के दूंगा कंटेस्टेंट्स के बारे में बहुत जल्दी, आई थिंक एक दो महीने में स्टार्ट हो जाएगा ओटीटी सीजन, आई थिंक फेब स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक मार्च में मैक्स टू मैक्स मार्च में बिग बॉस ओटीटी इज गोना स्टार्ट, एंड वो बड़ा होगा, इट्स गोना बी ह्यूज। तो लेट्स सी क्या होता है, वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आपका मेरा सफर 30 जनवरी को समाप्त होगा। शुक्रिया 111 दिन साथ में रहने के लिए, इंजॉय करने के लिए। मुझे पता है ये सीजन इतना मेमोरेबल नहीं रहा है, हमारा कोई फेवरेट कंटेस्टेंट बना नहीं, हाँ उमर था जिसको हम सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो एक ही कंटेस्टेंट है जिसने दिल में घर बनाया, बाकी एवरी वन वॉज जस्ट पेल शैडो, नथिंग नो वन कुड लीव अ मार्क। हाँ यस प्रतीक है, निशांत है, इन्होंने काफी अच्छा खेला है, लेकिन लेट्स सी कौन जीतेगा तो वक्त ही बताएगा। स्मार्ट साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से कूल मैन, गुड नाइट स्लीपर।